हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास नाइन्थ के न्यू क्लासरूम प्रोग्राम्स का। इसमें हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम की तरह बच्चों को देने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट, और डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक फिजिक्स मोर ईजियर एज दे फील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मोशन, जो कि नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप कमेंट बॉक्स में करिए प्लीज़। हम लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का। तो लेट्स स्टार्ट विद मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मोशन और व्हाट इज़ रेस्ट। तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़, कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है वो चार पैरामीटर्स से तय होती हैं, ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम एंड सराउंडिंग। अगर इन चारों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इट इज़ इन मोशन, और अगर नहीं करता है तो इट इज़ एट रेस्ट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी या कोई वस्तु टाइम के साथ, ओरिजिन के साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, या फिर पोजीशन के साथ, अपना सराउंडिंग के साथ अगर पोजीशन चेंज ना करे तो इट इज़ इन रेस्ट, और अगर करे तो वो बॉडी मोशन में होगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है तो उसको दो टर्म्स, फोर टर्म्स में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक और चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि मोशन और रेस्ट ये हमेशा रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मीन्स किसी दो बॉडी को कंपेयर करेंगे तभी ये डिसाइड हो सकता है कि वेदर इट इज़ इन रेस्ट और इन मोशन। तो कभी भी अकेले बॉडी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं रेस्ट और मोशन के लिए, हमें दो बॉडी को लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं और मेरा फ्रेंड एक ही साइकिल से जा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा फ्रेंड रेस्ट में होगा या मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंग मैं रेस्ट में होऊंगा। लेकिन वही अगर सामने सड़क पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ही मोशन में होंगे। तो साइमल्टेनियसली एक ही समय में हम लोग रेस्ट में भी हो गए और मोशन में भी हो गए, बट फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग इट डिसाइड्स द वेदर वी आर इन मोशन और रेस्ट। तो लेट अस डिस्कस एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको मानते हैं रेस्ट और यहाँ पर मानते हैं मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका टाइम, टाइम ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड है आपका ओरिजिन, थर्ड फैक्टर है हमारे पास सराउंडिंग, एंड फोर्थ फैक्टर है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे, ओरिजिन के साथ चेंज ना करे, सराउंडिंग के साथ चेंज ना करे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज ना करे, तब ये किस में आएगा? तब ये आएगा रेस्ट में, क्लियर। और अगर कोई बॉडी टाइम के साथ चेंज कर ले, ओरिजिन के साथ भी चेंज कर ले, सराउंडिंग के साथ चेंज कर ले, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज कर, किसी भी एक के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, तो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मोशन। एंड रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जब तक कंपेयर नहीं होगा तब तक मोशन और रेस्ट का क्लियरेंस नहीं होगा। इट मीन्स कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो टाइम, ओरिजिन, सराउंडिंग एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो टाइम, ओरिजिन, सराउंडिंग एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज करेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हम लोग एक बार और ले लेते हैं, वही ट्रेन और पैसेंजर वाला सिस्टम। अगर हम लोग अपने
फेलो पैसेंजर के अकॉर्डिंग देखें ट्रेन में तो वी आर इन रेस्ट, और अगर वही प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो वी आर इन मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कहाँ से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास फोर बेसिक फैक्टर्स विच डिसाइड्स वेदर अ बॉडी इन मोशन और रेस्ट। तो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस मीन्स दूरी और डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। तो लेट अस सपोज अगर कोई बच्चा अपने घर से होम फॉर इस तरह से होते हुए ये अपने स्कूल जाता है, तो इस पाथ पे जितना पाथ वो कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि घर से इस रास्ते से होते हुए जितना रास्ता तय कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और अगर वो इस रास्ते से डायरेक्ट आ जाए, ये ब्लू वाली लाइन जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो टोटल पाथ होगा, जो कुल दूरी होगी, ठीक है, तो टोटल पाथ वो हो गया आपका डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ या स्मॉलेस्ट पाथ हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम थिंग बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम शॉर्टेस्ट पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेट ओके लेट अस डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिटेल। ओके, लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम ए टू बी देन टू सी। ए और बी के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस और बी और सी के बीच में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो बट नेचुरल है 5 किलोमीटर बन जाएगा। ओके, अगर कोई आदमी या कोई बच्चा ए से बी पे जाता है फिर बी से सी पे जाता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसका, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर 3 + 4 एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ए सी, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, तो अभी हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का क्या होगा, टोटल पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट पाथ बोल सकते हैं या शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड
is called scalar quantity, and vector quantity means those physical quantity which are completely described by magnitude as well as direction is known as vector quantity. And scalar quantity की बात करें हम लोग, तो scalar quantity में सिर्फ magnitude होगा और vector quantity में हमारे पास magnitude भी होगा और direction भी होगा. तो हम लोग इसको ऐसे define कर सकते हैं, only magnitude और इसमें हो जाएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू. तो एक एग्जांपल देखते हैं. तो 5 किलोमीटर ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, और 5 किलोमीटर ईस्ट ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी. तो ये डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज distance always greater than equal to displacement, or displacement is always less than equal to distance. इसका एक example देख लेते हैं. अगर कोई straight path है, तो straight path में A से B तक जाना हो, तो इसमें A to B डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकता है. तो इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये वाली बातें होगी. दोनों में कॉमन बातें हैं, दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर. दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों का मीटर हो गया SI में और सेंटीमीटर हो गया CGS में. दैट्स इट. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन सी बातें हैं वो आपके बोर्ड पे. और नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्पीड.